डीडीसीए में घोटाले का आरोप लगाने वाले कीर्ति आजाद और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक और आपराधिक मामला दर्ज कराया गया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली के बाद अब डीडीसीए के उपाध्यक्ष चेतन चौहान ने उन पर यह केस दर्ज कराया है। जानकारी के मुताबिक 30,000 कोर्ट में दोनों नेताओं के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। दोनों ने डीडीसीए में चयन प्रक्रिया के दौरान महिलाओं के इस्तेमाल और पैसे के लेन देन के आरोप लगाए थे, जिसका चेतन चौहान ने विरोध किया है। अमेरिका में पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही किसी गवाही के तहत आतंकी डेविड कैलवन हेडली ने नए खुलासे किए हैं। मंगलवार को मुंबई की स्पेशल कोर्ट को उसने बताया कि 26/11 से एक साल पहले ताज में डिफेंस साइंटिस्ट की एक कॉन्फ्रेंस को लश्करे तैयबा निशाना बनाना चाहती थी। ब्रेकी के बाद पाकिस्तान में एक आतंकी ठिकाने पर ताज होटल की डमी तैयार की गई थी। इसमें टेररिस्ट की एंट्री और एग्जिट पॉइंट तय किए गए थे। लश्करे तैयबा से जुड़े पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी आतंकी डेविड हेडली द्वारा अपनी पहली गवाही में पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा दो असफल कोशिशों के बाद 26/11 के मुंबई हमले किए जाने की बात कबूली जाने के बीच अमेरिका ने कहा है कि वह मुंबई हमले के साजिशकर्ताओं को न्याय के कटघरे में लाने के लिए भारत की मदद करेगा। जम्मू कश्मीर में सरकार चलाने को लेकर कोशिशें जारी हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने राम माधव को महबूबा से बात करने को कहा है। राम माधव अगले हफ्ते श्रीनगर का दौरा कर महबूबा से इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। गूगल के प्रमुख सुंदर पिचाई अमेरिका में सबसे ज्यादा वेतन पाने वाले सीईओ में से एक बन गए हैं। गूगल की पैरेंट कंपनी अल्फाबेट की ओर से करीब $19 करोड़ के शेयर दिए जाने के बाद पिचाई ने यह उपलब्धि हासिल की। दूरदर्शन जल्द ही अपने दर्शकों को नई सौगात देने जा रहा है और इसके लिए हर महीने का शुल्क भी नहीं देना होगा। इस तकनीक में सेट टॉप बॉक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तकनीक के जरिए 600 से ज्यादा चैनल दूरदर्शन के चैनलों की तरह फ्री में देख सकेंगे। इसके साथ ही पेड चैनल भी देख सकेंगे। सियाचिन में हुए हिमस्खलन में भारी बर्फ के बीच दफन होने के 6 दिन बाद चमत्कारिक रूप से जीवित निकले लांस नायक हनुमंत थप्पा को मंगलवार को सियाचिन स्थित सेना के आधार शिविर लाया गया और यहां से उन्हें विशेष एयर एम्बुलेंस विमान के जरिए दिल्ली के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। इसी बीच उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलने पहुंचे। बजट सत्र के पहले विपक्ष के हमले का सामना कर रहे भाजपा प्रमुख अमित शाह ने सोमवार को संसद के भीतर बेहतर तालमेल के लिए सहयोगी दलों के साथ बैठक की और उनके साथ एक एक कर बैठक करने का फैसला किया, जिसमें से कई ने समन्वय की कमी की शिकायत की। आपको बता दें कि बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू हो रहा है। अमित शाह का कहना है कि नरेंद्र मोदी पहले ऐसे पीएम हैं जिन्होंने बनारस में गंगा घाट पर आरती की। उन्होंने काशी में आरती कर लाखों लोगों के मन में उम्मीद बांध दी है कि वे हमारे कल्चर को बचाएंगे। उनके विचारों से देश का आध्यात्मिक विकास भी होगा। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने मोदी सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया जैसी नीति और नफरत एक साथ नहीं चल सकते, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी के नेताओं की तरफ से अल्पसंख्यकों के लिए जारी नफरत भरे बयानों से देश की विनम्र छवि को नुकसान पहुंचता है।